नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस की गाड़ी पे पथराव के बाद जो है अब ये घटना निकल के आई है कि वैशाली में जब पुलिस शराब की सूचना मिलने के बाद छापेमारी करने पहुंची तो ग्रामीण और शराब माफिया जो है मिलकर पुलिस वाले को घेर लिए। और घेरे ही नहीं, बस इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पुलिस वालों का हथियार भी छीन लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि शराब माफियाओं का हौसला कितना ज़्यादा बुलंद हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। बिहार सरकार और बिहार पुलिस इस पर लगातार कोशिश कर रही है, अभियान चलाया जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी हो सके, पूर्ण तरीके से शराब जो है वो बंद हो सके। लेकिन आए दिन ऐसी खबर निकल के आती है जिसके बाद शराबबंदी के पोल खुलते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में ये वैशाली से खबर निकल के आई है जहाँ पे पुलिस की टीम जो है शराब की छापेमारी करने पहुंची थी, जिसके बाद जो है ग्रामीण और शराब माफियाओं ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला बोला, उनका घेराव कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस का हथियार भी छीन लिया गया। आपको बता दें कि बिहार के वैशाली में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। मौके पर पुलिस के अधिकारी और जवान से ज़्यादा शराब माफिया और ग्रामीण भी शामिल हो गए, जिसको देखकर पुलिस घबरा गई और मौके से किसी तरह जान बचा के भागने की कोशिश की गई। इसी क्रम में भाग रही पुलिस की टीम में से होमगार्ड की जवान से जो है माफियाओं ने राइफल तक छीन लिया। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 मिनट के भीतर छीनी गई राइफल को बरामद कर लिया है, साथ ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शराब माफियाओं के हौसले बिहार में बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार बिहार पुलिस कोशिश कर रही है पूर्णतः शराबबंदी को लेकर, लेकिन कुछ खबरें ऐसी निकल के आती है, कुछ ऐसा घटना हो जाता है जिसके बाद शराबबंदी के पोल खुल जाते हैं। और ये वैशाली से खबर निकल के आई है जहां पे देर रात जब पुलिस शराब की छापेमारी करने पहुंची तो ग्रामीण और शराब माफियाओं ने मिलकर पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। आपको बता दें कि LTF की टीम शराब माफियाओं पे हमला बोला। पूरा मामला वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र का है, जहां महुआ थाना क्षेत्र के शेरपुर मानिकपुर पंचायत के अख्तियारपुर गांव में LTF की टीम शराब माफियाओं के यहां छापेमारी करने गई थी। टीम को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में यहां शराब छुपाकर रखा गया है। टीम के साथ ही महुआ थाना अध्यक्ष छापेमारी में साथ गए थे। पुलिस छापेमारी करने के बाद लौट रही थी तभी शराब माफियाओं के साथ मिलकर ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस को जो है पुलिस की राइफल भी छीन ली गई। हालांकि पुलिस जो है इसके अधिकारी कार्रवाई करते हुए राइफल को तो बरामद कर लिया गया, साथ ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि OP पुलिस ने मौके पर पहुंची, उसके बाद इस सूचना की तत्काल महुआ SDPO सूरभ सुमन को दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सूरभ सुमन मौके पर पहुंचे और तत्काल ही जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही पुलिस की भी राइफल बरामद कर ली गई। आपको बता दें कि SDPO सूरभ सुमन ने बताया कि यह अख्तियारपुर गांव है। पुलिस की टीम एक इनपुट के बेसिस पे रेड करने आई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम पर ही शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया और पुलिस का हथियार भी छीन लिया गया। हालांकि पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए हथियार को बरामद कर लिया और एक मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो है शराबबंदी कानून पे उठता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है और आए दिन ऐसे खबर निकल के आते हैं जिसके बाद शराबबंदी कानून के पोल खुलती हुई नज़र आती है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।